हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर अंडर आर सीरीज एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़, जिसमें हमारा प्राइमरी सोर्स इग्नू MHI 1 है। ठीक है, उसमें हमारा यूनिट 1 हंटिंग एंड गैदरिंग कंप्लीट हो गया है एंड अभी हमारा सेकंड यूनिट पेस्टोरल नोमैडिज्म चल रहा है। इससे पहले एक वीडियो और आ गई है जिसमें हमने डिटेल से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात की। ठीक है, कौन से फैक्टर्स जो हैं डोमेस्टिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, वो हमने सब डिटेल में देखा एंड वो आपके जो है विद रिस्पेक्ट टू हमने एग्ज़ाम्स व्यू पॉइंट से भी देखा कि आप कैसे वहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और एक चीज़ मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर ये आप लेक्चर देखने लगे हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म का सेकंड लेक्चर, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो आप एटलीस्ट देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्टीन्यूशन बन जाएगा। बाकी मैं इसमें इग्नू के बिना और भी सोर्सेज रेफ़र कर रही हूँ, तो ये आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के, फॉर एग्ज़ाम्पल UPSC हो गया, UPSC मेंस हो गया, UGC नेट है, सब में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म, जिनको हम खानाबदोश भी बोलते हैं। तो क्या है इसमें पेस्टोरल नोमैडिज्म में, बेसिकली दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, राइट, एक पेस्टोरलिज्म और नोमैडिज्म। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, दो कॉम्पोनेंट्स का बनता है पेस्टोरल नोमैडिज्म, पेस्टोरलिज्म और नोमैडिज्म का। पेस्टोरलिज्म में क्या है कि आप लाइफ स्टॉक रियर कर रहे हो, एनिमल्स को रियर कर रहे हो। ठीक है, काउ हो गई, बफलो हो गई, गोट होगी, शीप होगी, अलग अलग एनिमल्स को पाल रहे हो, उनको चरवा रहे हो, राइट। ठीक है, उनकी ब्रीडिंग देख रहे हो, फोडर वगैरह सब देख रहे हो। ठीक है, फोडर की रिक्वायरमेंट। तो नोमैडिज्म क्या है, आप एक प्लेस से जाके दूसरी प्लेस पे भी जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेस पे जा रहे हैं फिर आप दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हैं, एक जगह पे टिक के बैठ के आप जो है अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, सेटल्ड कम्युनिटीज़ करती हैं, राइट, हम एक जगह पे रुक के करते हैं। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म उसका उल्टा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हैं अपनी जो है लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो नोमैडिक भी है और पेस्टोरलिज्म भी है, तुम्हें नोमैडिक भी होना पड़ेगा, माइग्रेटरी होना पड़ेगा एंड तुम्हारी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, तुम्हारी जो रोजी रोटी के लिए, वो कौन क्या होनी चाहिए, पेस्टोरलिज्म, एनिमल्स को रियर करना, राइट। तो इससे पहले हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं। हमने बात की थी कि कैसे इंसान ने जनरेशन बाय जनरेशन जो है अपने सराउंडिंग्स की, अपने आसपास एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स की नॉलेज गैदर की। उसने देखा मैं कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकता हूँ, उसके नेचुरल सराउंडिंग से मैं लेके आऊँगा अपने पास, उसको खाना दूंगा, उनकी ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट देखूंगा और इनसे मैं कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है गेन कर सकता हूँ, राइट। उसने फिर ये समझा कि कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, उनकी क्या फूड रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन सा क्लाइमेट उनको सूट करेगा। ठीक है, अब कोई हम शेर तो नहीं पाल सकते, राइट, हम पालेंगे क्या पालेंगे, गाय पाल सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, राइट। तो इंसान ने वो सीखा कि हम कौन कौन से एनिमल्स को पाल सकते हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पेस्टोरल नोमैडिज्म का मतलब बात ऑब्वियसली बात है कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट, एनिमल्स की ही तो बात कर रही हैं हम, उनको पाल तो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टू डोमिनेंट फीचर्स क्या आते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म के। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमने जैसे बात की कि हमारी जो मेन एक्टिविटी, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो हर्ड एनिमल्स की ब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एनिमल हर्डिंग पे हमें काम करना है और दूसरी बात जो है माइग्रेटरी कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जो हम एनिमल्स वगैरह की रियरिंग कर रहे हैं इसी से हमारी लाइवलीहुड अर्न होगी, हमारा जो कल्चर है, हमारी लाइफ है, हमारी सोसाइटी है, वो शेप होगी। और माइग्रेटरी कैरेक्टर होना चाहिए, हम एक जगह पे स्टैटिक होके जो है नहीं प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि आपके यहाँ पे कोई जो है वो मिल्कमैन है, ठीक है, वो दूध सेल कर रहा है, उसने कुछ गायें भैंसी जो है रखी हुई है, वो आपको मिल्क सेल कर रहा है, ठीक है, काउस बफलोज हैं उसके पास, तो वो पेस्टोरल नोमैडिक कल्चर नहीं है।
ठीक है। पहली बात तो वो सिडेंट्री है, वो अपने घर में रख रहा है, ठीक है। वो कहीं उनको डेली की पीरियोडिकली रेगुलरली ऐसे घुमाने फिराने नहीं लेके जाता, राइट। फिर दूसरी बात ये है कि वो कमर्शियल पर्पज़ से कर रहा है, आपको बेच रहा है। इसमें क्या होता है, इसका मेन जो एम होता है वो खुद का लाइवलीहुड होता है, खुद के मीन्स यूज़ के लिए होता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली, हाँ, सेल वगैरह मतलब, बट ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे सोर्सेज कौन से आते हैं जिससे हमें पेस्टोरल नोमैडिज्म का पता लगता है। एक्चुअली आप हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़े, राइट, तो सोर्सेज की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बताना होता है कि हम कौन से सोर्सेज को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही इंटरप्रिटेशंस की जाती है, राइट। क्योंकि हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, हम आज रियलिटी में तो नहीं बोल सकते कि उस टाइम ऐसा होता था, तो हमें कुछ तो एविडेंस चाहिए, कुछ तो हमें सोर्सेज चाहिए ना, जिनके बेसिस पे हम बोलेंगे। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं तो दो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, जिस टाइम पे पेस्टोरल नोमैडिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता था, ठीक है, वहाँ पे जो सेटल्ड उस टाइम की कम्युनिटीज़ थी, उनके कोई अकाउंट्स हैं, उनके कोई किस्से हैं, ठीक है, वहाँ से हमें उनके कल्चर का पता लगता है। क्योंकि सिडेंट्री कम्युनिटीज़ की अगर बात करें, सेटल्ड कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चर वगैरह जो प्रैक्टिस करते थे, उनसे पेस्टोरल नोमैड्स का एक अपना ही जो है रिलेशनशिप बिल्ड हो गया था, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं कि कैसे, अब जैसे हम बोलते हैं, उनमें आपस में डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी। कैसे हो गई थी, मान लीजिए कोई बंदा पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, नोमैड है वो, उसके पास गाय बफेलो रखी हुई है, काउस रखी हुई है, तो उनका मिल्क निकालता है, डायरी प्रोडक्ट्स बनाता है। अब दूसरी ओर जो है एग्रीकल्चर वाला बंदा है, ठीक है, वो ग्रेन उगा रहा है, ठीक है, वीट राइस उगा रहा है। अब पेस्टोरल नोमैड को खाने के लिए रोटी भी तो चाहिए, ठीक है, तो उसने उससे ग्रेन्स ले लिए, और उसने क्या किया, इसके बदले अपने डायरी प्रोडक्ट्स कुछ जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले को दे दिए। तो क्या हुआ, एक तरह का रिलेशनशिप बन गया। तो ऐसे हमें रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। बोलते हैं कि ये पेस्टोरल नोमैड्स का, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इनका खुद का कल्चर नहीं होता था, ये अपने नेबरिंग जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं उन पे अटैक करते थे, उनकी वजह से आपस में इनमें प्रॉब्लम्स रहती थी। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा मेन एक वन फर्स्ट सोर्स हो गया, फर्स्ट मिलेनियम बीसी के जो हैं सेडेंट्री जो अकाउंट्स हैं उनको देखना। सेकंड जो है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, जो आज की मॉडर्न पेस्टोरल नोमैड्स हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में भी अगर बात करें, आज भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर में आप बकरवाल्स देख लीजिए, राजस्थान में बंजारा देख लीजिए, ठीक है, आज भी ये पेस्टोरल नोमैडिज्म को प्रैक्टिस करती हैं, जानवरों को इधर उधर चरवाना, उसी के बेस पे अपना लाइवलीहुड अर्न करना, ठीक है, आज भी प्रैक्टिस होता है। तो जो है इनके कल्चर को एनालाइज किया गया, इनके स्ट्रक्चर को, वे ऑफ लाइफ को एनालाइज किया गया, कि हम उसके बेस पे जो हमारे पास्ट में कल्चर होगा उसको जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा होगा। तो ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। अभी अगर देखिए पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें दो स्कॉलर मिलते हैं, डैन एंड जीन पीरी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पेस्टोरल नोमैड्स जो थे, इनमें आपस में तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड है ही था, क्योंकि जैसे इकट्ठे इन्होंने एनिमल्स को चरवाने जाना, एक दूसरे के एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना, राइट, तो आपस में तो अच्छा बॉन्डिंग था। बट इसके कारण, पेस्टोरल नोमैडिज्म के कारण, इंसान और जानवर, ह्यूमन एंड एनिमल में भी एक अच्छा रिलेशनशिप बना, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है, आपको 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया, तो आप वहाँ पे ये मेंशन करेंगे। पहले आप पेस्टोरल नोमैडिज्म का बताएंगे कि हाँ इसमें कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, आप ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि हाँ हमारे ये सोर्सेज हैं, इनसे हमें इनके बारे में पता लगता है। फिर आप ये स्कॉलर्स को मेंशन कर सकते हैं कि इनके इन्होंने बताया कि पेस्टोरल नोमैडिज्म कैसे इम्पॉर्टेंट था, राइट। क्योंकि आप हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जितना आप स्कॉलर्स वगैरह को मेंशन करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको वहाँ पे अगर जैसे पेपर में आप कोई भी स्कॉलर मेंशन कर रहे हैं, आपको उनको हाईलाइट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से क्या है, एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाता है कि हाँ स्टूडेंट को कंटेंट का मालूम है, इसमें क्या लिखना है, ठीक है। तभी बोलते हैं फ्लो चार्ट्स भी रिप्रेजेंट से भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट इसमें आता है फाइव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिनसे पेस्टोरल नोमैडिज्म के, बाय खेजानोव, खेजानोव करके एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, पांच मेन फीचर्स की बात की है जिससे हमें पता लगता है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, ये आप पक्का बना के आइए अपने पेपर में। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जैसे हमने बात की कि पेस्टोरलिज्म, एनिमल रियरिंग, ठीक है, ये जो है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, जो ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ये जो है फ्री रेंज ग्रेजिंग इसमें होना चाहिए, एनिमल्स को जैसे खुला खेतों में छोड़ दिया, ठीक है, जंगल में छोड़ दिया, खुला मतलब ऐसा, ठीक है, ये नहीं है कि आप स्टेबल्स में, तबेले में उनको बांध के रख रहे हैं, वहाँ पे उनको फोडर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो फिर वो पेस्टोरल नोमैडिज्म नहीं होगा, राइट। उसके बाद ये जो आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, ये रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं आप 7-8 महीने एक जगह पे हो फिर आप 2 महीने जा रहे हो, वो नहीं होता, ठीक है, ये आपकी रेगुलर होनी चाहिए। और क्या होता है कि जो आप इसमें देखो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह, ठीक है, पेस्टोरल जो ये प्रैक्टिस करते हैं पेस्टोरलिज्म, इनके खुद के टेरिटरीज डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बंजारास जो है आपको राजस्थान में मिलेंगे, राइट, आपको बकरवास जो है कश्मीर वाले रीजन में मिलेंगे, ठीक है, तो इनके खुद की एरियाज होते हैं डिफाइन, तो उन एरियाज में जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आपको रेगुलर मिलनी चाहिए। फिर फोर्थ है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इनकी, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो पेस्टोरल नोमैडिज्म में होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि इक्का दुक्का बंदा कर रहा है आप बोल दोगे जी पेस्टोरल नोमैडिक है हमारा, तो नहीं जी, मेन पॉपुलेशन जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि इनका जो मेन एम होना चाहिए वो सब्सिस्टेंस होना चाहिए, खुद का जो लाइवलीहुड पे होना चाहिए, कमर्शियल पर्पस की वजह से नहीं इनको कि हाँ हम एनिमल्स वो करके फिर हम सेल कर देंगे ये वो, ऐसी चीज़ें नहीं, खुद का जो है खुद की लाइवलीहुड, खुद की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। तो ये अगर पांच फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे तभी हम बोलेंगे कि पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खेजानोव को मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, कौन से फैक्टर्स जो हैं डिपेंड किए, ठीक है। अब देखिए आप क्या, जैसे हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में भी बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, कोई तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, किसी को ठंड में रहना पसंद है एनिमल को, ठीक है, कोई एनिमल सारे जो है क्लाइमेट्स को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, तो एनिमल कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं, कौन सा फिर क्लाइमेट देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर रेनफॉल वगैरह, फोडर वगैरह होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो है आपको अपनी जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं उनका भी देखना पड़ेगा, है ना, ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं जिस पे ये, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे नोमैडिज्म का ओरिजिन डिपेंड किया, ठीक है, कहीं तो जल्दी स्टार्ट हुआ, कहीं लेट हुआ, कहीं कौन से एनिमल्स हो रहे थे, किधर हॉर्स को किया जा रहा है, किधर कैमल मेन एनिमल था, किधर रेनडियर था, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे जब हम देखते हैं कि कैसे स्प्रेड हुआ इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, अगर स्कॉलर्स की बात करें उनमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। अब कुछ स्कॉलर्स तो बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि पहले हंटर गैदरर्स थे, उनको अपने आसपास नॉलेज हो रही थी, एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जो है वो उनको अपने साथ मतलब लेके जाते थे उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने, राइट, ऐसे नोमैडिक कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर दूसरी साइड कुछ कहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल नोमैडिज्म साइड बाय साइड हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्या हो रहा था कि लाइफ स्टॉक वगैरह भी रखा हुआ था एग्रीकल्चरिस्ट ने, ठीक है, ये जो है इनको प्रॉपर फोडर वगैरह मिल रहा था, एग्रीकल्चर से मिल जाता था, तो इनकी जो है ब्रीडिंग वगैरह भी अच्छे से हो रही थी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग गई, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ कि इनको अब फोडर वगैरह की कमी होने लग गई, ठीक है, आसपास नहीं मिलता था तो ये इनकी इधर उधर इनको लेके जाने लग गए, ऐसे धीरे धीरे पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर भी इमर्ज हो गया। और फिर कुछ स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं जी, पहले एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से आ गया था, उसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए कि आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म करने लग गए, राइट, या फिर कुछ नेबरिंग कम्युनिटीज़ थी सेडेंटरी वगैरह, उनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उन्होंने अटैक वगैरह कर दिया, ठीक है, उससे आपको इधर उधर जाना पड़ा, आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म स्टार्ट हो गया।
मतलब अगर आप देखेंगे थर्ड वाला थोड़ा वेग लगता है, फर्स्ट हमें फिर भी सही लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो, बट ये डिफरेंट व्यूज़ हैं स्कॉलर्स के, तो हमें क्वेश्चन में ऐसे मेंशन करना रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ पेस्टोरल नोमेडिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो आपको क्वेश्चन वहाँ पे कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन ग्रोथ ऑफ पेस्टोरल नोमेडिज्म, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो राइट अ नोट ऑन ग्रोथ ऑफ पेस्टोरल नोमेडिज्म, उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे हमने अभी ओरिजिन की बात की, आपको वो मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद स्प्रेड, कहाँ पे कैसे स्प्रेड हुआ, टाइमलाइन, ठीक है, वो आपको करनी होगी। फिर ऐसे क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन स्प्रेड ऑफ पेस्टोरलिज्म, वो अभी जैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए स्प्रेड हमने जैसे बात की थी कि अलग अलग फैक्टर्स से जो है पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से तुम एनिमल्स चूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर टॉपोग्राफी, क्लाइमेट, कोई पहाड़ों में हो रहा है, कोई डेजर्ट्स में हो रहा है, राइट, ठीक है, फिर फोडर की अवेलेबिलिटी, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम बात करें यूरेशियन स्टेपीज की, वहाँ पे 7th मिलेनियम BC में स्टार्ट हो गया था पेस्टोरलिज्म, पर हमने जैसे पहले भी देखा ये ग्रेजुअली चीज़ें हुई हैं, स्लोली हुई हैं, जनरेशन बाय जनरेशन हुई हैं। तो इसको प्रॉपर अच्छे स्केल पे डेवलप होने को 2 मिलीनियम BC में हुआ, वो भी जब हॉर्स का अच्छे लार्ज स्केल पे हॉर्स का यूज़ होने लगा था, राइट। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि होस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था, जिसने जो है नोमैडिक कल्चर की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब चीज़ें चेंज करके रख दी थी। बड़ी बड़ी नोमैडिक एम्पायर्स जो बनी उसमें हॉर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मंगोल्स थे, ठीक है, तो हॉर्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती थी। अगर इंडिया में भी देखें मिडीवल टाइम पे हमारा जब सल्तनत रूल था, तो हम हॉर्सेज को सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से लेके आते थे, राइट, कि वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेज हैं, तो फाइट्स वगैरह में बहुत हेल्प होती थी। तो हॉर्सेज ने जो है पूरी पिक्चर ही बदल के रख दी थी। सिमिलरली जो जैसे हॉर्सेस यूरेशियन स्टेपीज में इम्पॉर्टेंट थे, वैसे ही कैमल जो है वो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट उधर कैमल इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो अभी जैसे डेनी एंड जीन पेरी यहाँ भी बोलते हैं कि जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में क्रॉप इम्पॉर्टेंट होता है, राइट, ठीक है, वैसे ही हॉर्स अगर बात करें तो नोमैडिक कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहा है, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अफ्रीका में बात करें, अफ्रीका में अभी जैसे हमने देखा कि 7 मिलीनियम BC में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ और 5th मिलीनियम BC में जाके जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर इमर्ज हुआ। तो यहाँ भी ये था कि पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म, राइट। फिर उसके बाद 2nd मिलीनियम BC में प्रॉपर नोमैडिक कल्चर आ गया, जब कैमल वगैरह जैसे अच्छे से यूज़ होने लगा था, ठीक है। उसके बाद ईरान हो गया, एशिया माइनर, ठीक है, यहाँ पे भी 3rd मिलीनियम BC में स्टार्ट हो जाता है पेस्टोरल नोमेडिज्म। बट अगर हम देखें कि प्रॉपर अच्छे लेवल पे पहुँचने के लिए इसको टाइम लगा, और जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, हम नोमेडिक एम्पायर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो मिडीवल टाइम में होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में कौन से रीजन्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया, अरब, सीरिया, पेलेस्टाइन, ठीक है, जो यहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म का स्टार्ट हुआ वो भी 4 से 2nd मिलीनियम BC के बीच में हुआ। और यहाँ पे ज़्यादा सेमी नोमैडिक कल्चर होता था। सेमी नोमैडिक क्या, एग्रीकल्चर पे भी, जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी, खुद भी थोड़ा एग्रीकल्चर वगैरह, तो मतलब ये जो है सेमी नोमैडिक काइंड था, ट्रू नोमैडिज्म नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद मंगोलिया एंड चाइना, यहाँ पे 2nd मिलीनियम BC के एंड में स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं जिससे हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे पेस्टोरल नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ में। जैसे बोलते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी उसी कारण बनी थी, इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद साइबेरिया एंड यूरेशिया, साइबेरिया एंड यूरेशिया में अब हम आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कौन सा एनिमल ब्रीड हो रहा है, रेनडियर। अब आप रेनडियर को अगर देखेंगे वो यूरेशियन स्टेपिस में नहीं होगा, वहाँ पे हॉर्स इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं रीजनल वेरिएशन है, एरिया वाइज वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे 1st मिलेनियम BC में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद तिब्बत वगैरह की बात करें, वहाँ पे आपको ज़्यादा याक वगैरह मिलेंगे,
सिमिलरली अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, वहाँ पे टू मेन एनिमल्स थे, इलामा एंड विकूना। और जो हॉर्सेस थे बहुत लेट 16th सेंचुरी के टाइम पे आए, जब स्पेनियर्स ने उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो कहीं तो हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और वहाँ पे सेकेंड मिलेनियम बीसी में यूज़ हो रहे थे यूरेशियन स्टेपीज में, और यहाँ पे 16th सेंचुरी में हुए। तो टाइमली वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है? तो अभी आपको समझ आ रहा है जो हम पहले ऊपर वेरिएशंस की बात कर रहे थे, राइट? फिर उसके बाद इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे हमने बात की कि यहाँ भी पेस्टोरल नोमेडिज्म प्रैक्टिस होता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऊपर कश्मीर वगैरह में गुज्जर्स मिलते हैं, ईस्ट में मोनपास मिल गए, फिर उसके बाद हमें बंजाराज मिल गए, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ हमें मिलती हैं। और अभी क्या हो रहा है, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें ना, पहले से पास्ट से लेके अब तक थोड़ा सा जो कल्चर है पेस्टोरल नोमेडिज्म का वो कम हो रहा है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या था, मतलब ज़्यादा हंटिंग एंड गैदरिंग, उसके बाद पेस्टोरल नोमेडिज्म हुआ, एग्रीकल्चर धीरे धीरे हुआ, आजकल एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा कम्युनिटीज़ हो गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पेस्टोरल नोमेडिज्म वल्नरेबल हो जाता है, इनको थोड़ा प्रॉब्लम्स रहते हैं। कैसे, अब एनिमल्स में बहुत कोई एनिमल्स में आपको पता है बीमारी फैलती है, पूरा एपिडेमिक फैल जाता है, ठीक है? आपका एनिमल्स बीमार हो गए, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और फिर वैसे भी ये जो है आइसोलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, कोई डेजर्ट में, कोई मार्जिनल एरियाज़, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स में, ठीक है? जबकि एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, अगर इंडिया की बात करें, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, पर इनकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है, आज अगर हम मोबिलिटी की, इनकी मूवमेंट की बात करें, इनकी प्रेजेंस की बात करें पास से कंपेयर करके, तो थोड़ा कम हो रही है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबिलिटी ऑफ पेस्टोरल नोमेडिज्म। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा पेस्टोरल नोमेडिज्म होता क्या है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, फिर हमने उसके ओरिजिन की बात की, उसके स्प्रेड देखा अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है? स्प्रेड आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि कौन से एरिया में कब हुआ, तभी ये मैंने हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, आपको थोड़ा याद करना भी ईजी होगा और आप पेपर में भी थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मोबिलिटी की बात करें, तो मोबिलिटी भी जैसे अभी हमने देखा कि सीजनल वेरिएशंस पे, टेम्परेचर के, ठीक है? फिर उसके बाद रेनफॉल पे, फिर कई तो नोमैडिक कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो रेनफॉल के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनको होता है वहाँ पे रेनफॉल हुई होगी, वहाँ पे फोडर अच्छा मिल जाएगा एनिमल्स के लिए, राइट? ठीक है, उसके बाद फिर जो उनकी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ होती हैं वो किस टाइम पे सो कर रही हैं, किस टाइम पे हार्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वही है फोडर मेन बात है, ठीक है? उनको अपने एनिमल्स के लिए फोडर चाहिए, चारा चाहिए, राइट? तो इस ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पे मोबिलिटी डिपेंड करती है। कई बार बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशन होती है, कि गर्मियों में हम एक जगह, सर्दियों में दूसरी जगह, ठीक है? इसको एक नया नाम दिया गया, ट्रांस ह्यूमंस। तो कई स्कॉलर्स जो हैं इसको थोड़ा सा ट्रू नोमैडिज्म नहीं मानते, क्योंकि ये क्या है कि तुम 6 महीने एक जगह सेडेंटरी हो रहे हो, राइट? फिर तुम 6 महीने कहीं और जा रहे हो, तो इसको प्रॉपर माइग्रेशन नहीं होती, तो इसलिए इसको ट्रू नोमैडिज्म नहीं कंसीडर किया जाता। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा, ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक बच गया है इसमें, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी की बात करेंगे पेस्टोरल नोमैडिज्म, जो नोमैडिक कल्चर है उनकी, ठीक है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म का यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा, एंड देन विल मूव टू ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एंड आज का वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, यहीं ख़त्म करते हैं। आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका, वो आप रिवाइज कीजिए, और आज वाले वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है? तो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। और उसके बिना आप मेरा टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वहाँ पे आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशन सारी मिलती रहती हैं वीडियोस से रिलेटेड, या मैं कुछ और भी एडिशनल कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो मैं डालती रहती हूँ, क्विज़ वगैरह होते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड पढ़ते रहिए, ठीक है? ओके, बाय बाय।